शुरू। और कितने घंटे? बिना सोए 12 घंटे की जगह 24 घंटे बस चला चुके। वही वचन मेरे को वो वापस याद आया कि जो भी शत्रु तेरे विरुद्ध है वो तुझको प्रबल ना हो पाएगा। ನಿಮಗೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಮಿ ಅಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಜೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಿಯೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೀವಿ ಜಾ ಜಾಕೆ ವೋ ಪಾಸ್ ಜಿ ಮತಲಬ್ ಹಮ್ಕೊ ಕಿಸೀ ಚೀಜ್ ಕಿ ರಿಯಲಿ ಯೋವಾ ಚಲವಾ ಮೇರಾ ಕೋಈ ಘಟೀ ನಹೀ ಥೀ ಔರ್ ಯೋವಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಔರ್ ಚಲವಾ ಭೀ ದೀ ಥೀ। गॉड को फर्स्ट, उसके लोगों को नेक्स्ट, बाद में आकर आपको परिवार है तो मिशन ट्रिप सक्सेसफुल होता है। शैतान ने कोशिश की थी कि हम लोग वहाँ काम ना करें। मैं अंधकार में भी चलूं तो भी परमेश्वर मेरी युद्ध को प्रकाश। दो जगह पे ऐसा हो गया, मिनिस्ट्री करनी है नहीं करनी है। लेकिन वहाँ मैंने परमेश्वर का कार्य देखा, आंटी का जिद करना ही है। और मैं बहुत ही खुश थी जैसे यहाँ के बच्चों को जो एक गीत पता था। इसलिए शैतान के कार्य स्वर्गीय परमेश्वर के नाम पे ऊंचा उठा। 5 दिन में 15 आउटरीच किए हैं। हर आउटरीच में 50, 100, 150 लोग थे। ट्रैक्टर जा रहे हैं, आउटरीच के बीच में बसें जा रही हैं। मिशन में हर नाको खाकर हर टेंशन को स्तुति में बदल के परमेश्वर ने ये कहा कि मैं आया हूँ ताकि आपका आनंद मिले। और जैसे हम लोग वहाँ पे गए, हम लोग अलग अलग गाँव में जाके मिनिस्ट्री किया और सबसे बड़ा हम लोग को डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पे जाके हम लोग को लैंग्वेज भी आता था। यस सर। लेकिन हमारा फेथ था कि आगे अगले दिन से हमें परमेश्वर देगा, बहुत सारा जगह देगा और हम कर देंगे कि वो ना कम नहीं होगा मिलना हमें। जहाँ हम गए स्कूल में तो वहाँ पे दो टीचर्स थी जो बिलीवर थे। उस टीचर के थ्रू जो है हमें वो जगह पता चला, हमने वहाँ कार्यक्रम किया। बच्चों के लिए मुझे बोझ चाहिए कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ और लिटरली मुझे रोना आया। वादी में सुसमाचार फैला, क्या देखता पता है यार। जहाँ उम्मीद भी नहीं थी सुसमाचार पहुँचे। वहाँ परमेश्वर ने अपना पहला वचन फैलाया। सब लोग प्रार्थना में थे, एक यूनिटी बना के सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। कल का हम ना जाने पर आज वाड़ी में परमेश्वर का राज है। लाइट गाड़ी के अंदर का जो हम सकते हैं, जैसे हम यहाँ स्ट्रगल करते हैं, वहाँ के भी पास्टर्स, वहाँ के भी सेवक स्ट्रगल करते हैं और हमने वहाँ पे जाके बीच बोया अपना काम ही नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और ये याद रखना जरूरी है कि हम तो अपना काम करके आ गए, अभी जो पत्थर पड़ेंगे उन पे पड़ेंगे, तो उनके लिए मध्यस्थी करो और उनके हिम्मत की भी दाद दो। जितने वो बोलते हैं कि बंबई से लोग आ रहे, हमको भी लगना चाहिए कि अरे वाड़ी जैसे सख्त जगह पे वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। ये लोग
एक साथ धर्म लोग जिएंगे और आज से हमेशा रहेगा हमें।